बार लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर जो महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है, आपकी उस पर पहली प्रतिक्रिया क्या? ये सब कुछ सियासी है, आपको लगता है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए राज ठाकरे को इस तरह का हथकंडा अपनाना पड़ रहा है? और औरंगाबाद में रैली के पीछे का मकसद क्या है, आप क्या देखते हैं? देखिए, बीजेपी शिवसेना पावर में थे और जोशी साहब उनके मुख्यमंत्री भी थे, उस वक्त उनको ये सब चीजें याद नहीं आई। जब आप ये सब चीजें अचानक उठा रहे हैं, और उठाने का मकसद एक ही है कि पूरे देश में जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के ताल्लुक से जो एक हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, ये उस इंस्टीट्यूशनलाइज हेट का प्रमोशन है और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है बल्कि रूल बाय बुलडोजर चल रहा है। एक नया जुरिसप्रूडेंस क्रिएट हो गया, बुलडोजर जुरिसप्रूडेंस, क्योंकि वहां की बीजेपी की सरकार को कोर्ट पर, संविधान पर, पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पर मुस्लिम समाज को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, जो हमारे देश के लिए, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए, देश की जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत गलत है ये। और तीसरी बात यह है कि आप तमाम लोग जानते होंगे श्याम शरण साहब को, वो भारत के हमारे आईएफएस ऑफिसर थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, देश के लिए बड़े इम्पोर्टेंट उन्होंने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए, देश के बहुत से सीक्रेट्स वो जानते हैं, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को समझते हैं। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि ये जो हेट इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, उन्होंने ये कहा कि अगर भारत के मुसलमानों में चंद लोग रेडिकलाइज हो जाएंगे तो वो कैसा होगा। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा ये। तो ये बीजेपी को ये सोचना चाहिए, और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी को तोड़नी चाहिए, खामोशी को तोड़नी चाहिए, और रूल ऑफ लॉ को मजबूत करने की जरूरत है, जो बदकिस्मती से, बदबख्ती से बीजेपी उस रूल ऑफ लॉ को, हमारे जो ऊपर एडिफिस है वो हमारी लोकतंत्र का, वो कमजोर पड़ रहा है। सर, ये बीजेपी की तो बात आपने कही, कल भी हमने आपका एक वीडियो देखा था भाषण करते वक्त, जिस तरह की स्थिति है, आपके आंखों से आंसू झलक आए थे, वो तो बात आप बता ही रहे, लेकिन ये जो राज ठाकरे की खास तौर से राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या है दो भाइयों का झगड़ा है वो, मेरे क्या करना है उसमें? हमारा बोलना इतना है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम है, पीस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी पीस को मेंटेन करने की ये 1 in 3 सरकार जो है इनकी जिम्मेदारी है, और पुलिस की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, और जनता की भी जिम्मेदारी है, मगर प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ की सरकार की है, वो महाराष्ट्र के पीस को मजबूत रखे, उसको बरकरार रखे, ये इनको हम इतना ही कहना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर 144 धारा लगाई कुछ दिन पहले औरंगाबाद में, और उसके बाद इस तरह की राजनीतिक रैली को इजाजत दी जाती है, दोहरे मापदंड पुलिस प्रशासन या सरकार के आपको लग रहे हैं कि एक तरफ कहा जाता है कि दंगे भड़क जाएंगे और दूसरी तरफ इस तरह की रैली दी की इजाजत दी जाती है? आप बोलिए इस बात, ये तो आपका लोकल क्वेश्चन है। नहीं, बेसिकली हम तो यही मानते हैं कि शहर के बीचों बीच जो रैली की परमिशन दी गई है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था अगर किसी दूसरी जगह के ऊपर, बहुत सारे सुझाव आए थे, लेकिन जानबूझकर ये महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय और एनसीपी पार्टी की तरफ से ऊपर से आदेश आया है कि ये सांस्कृतिक मंडल के ऊपर है तो ये जगह दी जाए करके। तो अगर शहर में ये जानते हुए कि
ईद का माहौल है, इतने सारे लोग बाजारों के अंदर है, बच्चे हैं, औरतें हैं, सब बाजार के अंदर है, मतलब सारे त्योहार का जो है, दो साल के बाद है तो लोग है तो मार्केट के अंदर आए हैं, दुकानदार जो है वो पूरा अपना सामान भर के रखे हुए है, और ऐसे माहौल के अंदर उन्होंने यहाँ पर परमिशन देना, कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एक चाल चली जा रही है जिसके अंदर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शहर का माहौल खराब हो, जिले का माहौल खराब हो, हमने परमिशन दे दिया तो आओ भाषण दो और आपको क्या करने का है करके। तो ये बहुत ही आपको लगता क्यों है कि माहौल खराब होगा राज ठाकरे के स्पीच के बाद में? देखिए ऐसे मुद्दे उठाएंगे वो कि जो माहौल खराब हो जाएगा? नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नासिक, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र प्रदेश में वो पीस को बरकरार रखे, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि परमिशन देना नहीं देना वो उनका प्रेरोगेटिव, हमारा नहीं है, अब उनको ये इस जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत नहीं। लेकिन आप जिस प्रकार बार बार आपके बोलने में महाराष्ट्र सरकार का जिक्र आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार क्या आपको लगता है क्योंकि राज ठाकरे ने उनकी जो गुड़ी पड़वा रैली थी उसमें भी लाउड स्पीकर के बारे में जाहिर तौर पर बात की जिससे दो गुटों में हिंसा हो सकती है, साथ ही साथ उत्तर सभा करके थाना में ली थी उसमें भी ली है, तो आपको फिर भी महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद लग रही है क्या इस मामले में? तो आपको लगता है उसी वक्त एक्शन लेनी चाहिए थी ऐसा लगता है या आप मांग करना चाहोगे? हमारा मानना यह है और हमारा डिमांड यह है कि आप अगर किसी को परमिशन देते हैं तो आपको ये देखना जरूरी है कि जहाँ भी आप परमिशन दे रहे हैं वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई ब्रीच ऑफ पीस ना हो, ये उनकी जिम्मेदारी है और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। सर इससे एक बात देखी गई है कि भाजपा का हिंदुत्व खराब बताने के लिए उनको मुसलमानों का अटैक करना पड़ा, क्या फिर से बोलिए? भाजपा को उनका हिंदुत्व सही है बताने के लिए उनको मुस्लिम पे अटैक करना पड़ा, फिर बाद में शिवसेना आई उन्होंने वही नीति दोहराई, अभी मनसे भी आकर वही कर दिया। कल जलित साहब से मैंने यही सवाल पूछा था तो उन्होंने बताया कि किसी को अपना हिंदुत्व अगर बताना है सही है तो मुस्लिम कम्युनिटी को पंचिंग बैग बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे पंचिंग बैग बना सके, याद रख लो आप। सुनिए आप, नहीं नहीं सुनिए सुनिए, हम पंचिंग बैग नहीं है, हम इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि पंचिंग बैग है तो ये गलत समझ रहे हो लोग। हमारा मानना ये है कि देश की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन मानने वाला है, तो उसमें कांग्रेस भी रेस में है, भाजपा है, शिवसेना है, आप पार्टी है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है, सब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी में हम सबसे आगे हैं, तो वो कंपटीशन हो रहा है उसका, वो हो रहा है। सर एक महाराष्ट्र में एक वाक्या हुआ जिसमें नवनीत राणा और जो निर्दलीय सांसद है आपके साथ ही पार्लियामेंट में काम करते हैं उन पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया, केवल इतना मेरा समझ गया सब सवाल। सबसे पहली बात तो ये है, अगर मैं और इम्तियाज अली साहब ये बोल देंगे कि मैं देश के प्रधानमंत्री के घर के सामने जाकर सूरह यासीन पढ़ूंगा, माने कुरान में चैप्टर है, आप क्या बोलेंगे? बोले हम कॉल करेंगे, आप तो रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ लगा के गोली चला देंगे, है ना? वो तो ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि सेडिशन चार्ज लगाना, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ वो चार्ज आप को सुप्रीम कोर्ट में बता चुकी है कि उसमें वॉयलेंस हैज़ टू बी फॉलोड बाय वॉयलेंस, और वो बहुत ही सुप्रीम कोर्ट खुद हटाने वाला है उसको, हटा के हीरिंग करने वाला है उसके बारे में। तो सेडेशन चार्ज लगाना मेरे ख्याल से ये लगा दो, डाल दो अंदर, वैसा नहीं है। तो सेडेशन के बारे में हमारा मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो उसको अभी देख रहा है वो बिल्कुल सही देख रहा है सुप्रीम कोर्ट, मगर उनका ये कॉल करना, मेरे को कोई ना उनसे मोहब्बत है पॉलिटिकली, ना जिसके घर पर जा रहे थे उनसे मेरे को पॉलिटिकली मोहब्बत,
मगर अगर कोई हर कोई ये बोलेगा कि नहीं मैं आप इम्तियाज अली घर के सामने करूंगा, तो मेरे घर के सामने क्यों आएंगे भाई आप? तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी जो ऑब्जर्वेशन किया है कि आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप पे भी एक जिम्मेदारी है दोती, आप प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करने से किसको कौन रोकते हैं आपको? अगर हम और मेयर इम्तियाज अली आप एक कॉल कर देंगे कि जितने बीजेपी के नेताओं के घर है हम जाके वहां कुरान पढ़ेंगे, तो रीजनेबल नहीं है ना ये, तो आप भी उसको देख के करिए। सेडिशन का चार्ज लगा देना। नहीं नहीं, मैं कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूँ, ना मैं कोई लीगल ईगल हूँ मैं वो तो, मगर मेरे छोटा मोटा जो लॉ मेरे को मालूम, सेडिशन चार्ज लगाने से प्रूव नहीं होता, क्योंकि मुझ पर भी चंद्रबाबू नायडू 1996 में और 98 में मेरे पर सेडिशन लगाए थे, प्रूव ही नहीं कर सकते आप, सिवाय इसके कि दगा दिए पेपर में, मीडिया में आप लोग उछाल देते। बट सुप्रीम कोर्ट राइटफुली उसको अभी एग्जामिन कर रहा है। सर, महाराष्ट्र के एमपी के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल, उन्होंने कुछ दिनों पहले मीडिया में एक बयान दिया था कि जो माहौल महाराष्ट्र में चल रहा है, इस माहौल में अभी ओवैसी की एंट्री होगी और ये माहौल खराब करने की साजिश चल रही है राज ठाकरे, ओवैसी हो या तमाम पार्टियों द्वारा। ऐसा है ना, अब उनको ख्वाब में भी मैं आ रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब वो पहले बता दे कि बीजेपी में कब जाने वाले हैं वो लोग। तो क्या अजीत पवार मेरे से पूछ के गए थे वोट लेने? अगर उनकी बात सच है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ उनको, अजीत पवार मेरे से पूछ के गए थे क्या फडणवीस को, तू बन जा मैं बन जाऊं, तू दोनों जो शादी कर लिए थे थोड़े दिन के लिए, एक दिन के लिए था घंटों के लिए जो शादी, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी नहीं था वो, मेरे से पूछ के कर रहे थे दोनों। ऐसा हो गया माहौल कि अगर मैं आ रहा हूं बोले तो इनको रात में नींद खराब हो जाती है इनकी। तो अब वो करते बोलते, अरे तुम सरकार में है, आप क्या कर रहे, आप सरकार में, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ ना। ओवैसी जी, संजय राउत जब राज ठाकरे की आलोचना करते हैं, उनका कहना है कि राज ठाकरे ये हिंदू ओवैसी है, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब देखिए ना, मेरे बाप का नाम ओवैसी है, अब्बा का नाम ओवैसी है, अब संजय राउत ऐसा क्यों बोल रहे मेरे को नहीं मालूम, उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए संजय राउत। ऐसा है ना, संजय राउत तो उस घराने से ताल्लुक है उनका, वो जिम्मेदार आदमी है। अब संजय राउत अगर अपने लीडर के घर का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे क्यों निकाल, मेरे को उससे क्या करना है? वो भाई भाई का झगड़ा है ना, तुम बिठा के मिला दो उन लोगों को। अरे ओवैसी ओवैसी ये सब क्या, तुम क्या जो तुम बीजेपी के साथ इतने साल जो हनीमून मनाए वो क्या था? मोदी को वोट दो बोले आप 2014 में 19 में, वो क्या था? तुम तो 370 पे साथ दिए, तो ये बकवास है ये, और क्या है? हटाने का मुद्दा है, आपका उस पर क्या व्यू है? देखिए हमारा मानना ये है ना कि आप क्या करने वाले हैं, मैं मुख्यमंत्री हूँ क्या? जिस दिन इम्तियाज जलील मुख्यमंत्री बन जाएंगे हम बता देंगे आपको क्या को अल्टीमेटम दिया तो क्या करते हम, ये तो सरकार को बताना है ना। लेकिन आपके कार्यकर्ताओं को आप क्या कहेंगे कि हनुमान चालीसा बजाई जाती है? सभी देखिए एक बात है, हम पीस और अमन को मजबूत करो बोल रहे हैं, मगर आप जैसा बोल रहे हैं हम पंचिंग बैग नहीं है। बात मुसलमानों के सॉफ्ट कॉर्नर हम बता रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। इसी बीच में बीजेपी ने एक और एलिगेशन लगाया है कि जो गोरखपुर कांड में जो अब्बासी है वो आईसीएस के लोगों से सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करते थे और कई सारे ऐसे प्लान्स को भी वो ऑनलाइन सर्च करते थे, तो ये भी एक मुसलमान व्यक्ति ही क्यों है? ये अब्बासी भी एक मुसलमान व्यक्ति ही है और वो आईसीएस से कनेक्टेड था, तो एक बार दोबारा आज आपको मालूम आज क्या हुआ, कल अयोध्या में क्या हुआ? मुसलमानों की नमाज की टोपी पहनकर मुसलमानों की ही मस्जिद में ली जाकर सुअर का गोश्त फेंके और पकड़े गए। कौन था वो? बजरंग दल के ऑर्गेनाइजेशन से था। कौन थे भाई ये लोग? जहां तक सवाल टेररिज्म का है तो फिर ये अखलाफ को, पीलू खान को, रगबर को मारने वाले कौन है भाई?
और तीसरी बात यह है कि आप पूरी तहकीकात करिए, हम तो हर किस्म के वायलेंस को, टेररिज्म को कंडेम करते हैं। आज ही बेंगलुरु में, सॉरी कर्नाटका में, एक साहब जो है मस्जिद में चले गए कल, जहां पर लेडीज मुस्लिम नमाज पढ़ रही थी, कपड़े उतार दिए उनके सामने जाके और गाली देना शुरू कर दिया। कौन है ये लोग, रेडिकलाइज कौन कर रहा है इनको? मैं शुरू से कह रहा हूं रेडिकलाइजेशन हो रहा है, और मैं तो मेरे पे जो गोली चली, मेरी गाड़ी पे गोली चली, तो मैं किसी समाज को ब्लेम नहीं किया। मैं बोला वो रेडिकलाइज क्यों हुआ? आप रेडिकलाइजेशन पे रोको ना, उसको रोक लगाइए रेडिकलाइजेशन पे। रेडिकलाइजर कोई भी हो रहा है तो रोक लगाइए, क्यों हो रहा है उसके आपको मालूम, मगर आप तो खामोश बैठे हुए हैं। सर 2019 में लोकसभा चुनाव ना लड़ते हुए भी जिस प्रकार ने राज ठाकरे ने एक अलग अंदाज में मोदी के खिलाफ प्रचार किया था, और अभी हालात ऐसे हैं कि नहीं नहीं मगर मगर बी टीम में नहीं, हम पूरा डील हम कर लेते। अब आप देखो आप, अरे हम लड़के शिवसेना को हराए, हाँ वो तकलीफ है संजय राउत को कि औरंगाबाद की हिंदू मुस्लिम दलित जनता ने शिवसेना को हरा दिया, तो वो उन गुस्सा मेरे पे कभी कभी निकाल लेते। सर आखिरी सवाल मेरा ये है, मेरी तरफ से आखिरी सवाल ये है कि फिर एक बार कल की सभा में हो सकता है कि औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर किया जाए, इस मांग को आगे बढ़ाते हुए सरकार पर दबाव बनाएंगे। सर आपकी और सर की दोनों की प्रतिक्रिया चाहिए। बोलते यार क्या तुम इम्पोर्टेंस दे रहे से लोगों को, आप लोग खामा का धूप में एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, क्यों इतना धूप में टाइम खराब कर रहे हैं आप? जाइए ना, इफ्तार से निमंत्रण इफ्तार का न्योता दिया है, इफ्तार का निमंत्रण न्योता दिया है राजकुमार जी का, शांति का हाल आगे बढ़ा जाइए, आपकी क्या भूमिका है उसमें? अब वो दावत दे चुके हैं, वो दावत मेजबान आप है, पूछिए मेजबान से। लेकिन वो शादी को गए दूसरे, लेकिन दावत उन्होंने ली नहीं, शादी को गए भागवत करार, बीजेपी दावत के घर पे शादी के लिए जाने को था राज ठाकरे, लेकिन यहाँ अच्छा अच्छा है भाई, अच्छा नहीं आए तो अच्छा है। तेज गेंदबाज आप बोल रहे थे, हाँ वैसा है ना, वो आप ही की बरादरी से आए तो उनको गोली डालना अच्छा आता। सर इस मुल्क में यक्षा सिविल कोड नाफिज करने की बात, देखिए एक बात सुनिए, यक्षा सिविल कोड को इस देश की जरूरत नहीं है। हमको आप ये बताइए, आज बीजेपी अमित शाह साहब ये सब बोल रहे हैं, आपको मालूम गोवा में जो सिविल कोड है कैसा सिविल कोड है? अगर गोवा में कोई हमारा हिंदू भाई शादी करता है और उसकी वाइफ की उम्र 25 और 30 साल की हो जाती, उसको बेटा नहीं हुआ तो सेकेंड मैरिज कर सकता है वो। अब इस पर क्या बोलेंगे बीजेपी वाले, सरकार आपकी है वहां पर। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसमें आर्टिकल 47 पढ़ लो आप, प्रोहिबिशन लगाओ अल्कोहल के ऊपर, क्यों नहीं लगाते भैया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है शायद आर्टिकल 38 में कि सबको इनकम जितना हो सके बराबर होनी चाहिए। कहां है इनकम, किधर है? देश की 90% दौलत देश के 10-15 पूंजीपति के पास है। पीयूसी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज होना चाहिए। अरे कहां है भैया, कहां हो रहा है आप सिर्फ इसके? अच्छा हमारे को बताइए कि शराब के ऊपर क्यों पाबंदी नहीं याद करते? शराब लगाओ ना पाबंदी, बंद करो शराब। बीजेपी जाना सरकार में, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का महात्मा गांधी ने खुद बोला था, जैसा आपने गुजरात में लगाया चलो वैसा ही थोड़ा बहुत करके लगाओ ना, लगाओ आप जाना आप सरकार में, शराब पे आप नहीं लगाना, बंद नहीं करना चाहते। क्यों बंद नहीं करना चाहते? क्योंकि शाम में 6:30 बजते कि आपको होना, आपको ठंडा होना, आपको नहीं तो आप ढीले पड़ जाते। लगाओ ना आप, लगाओ वो तो, मैं तो उसको गंदी चीज बोलता हूँ, पूरी बुराइयों की जड़ शराब है, जिसकी वजह से भारत में हर साल मेरे ख्याल से 2 या 3 लाख लोग मरते एक्सीडेंट में, आधे ज्यादा तो शराब पी के टक्कर मारते, महिलाओं पर वायलेंस होता, बच्चों पर वायलेंस होता। आप बंद करो ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है शराब क्यों नहीं बंद करना चाह रही बीजेपी, बंद करो ना, चलो आपके स्टेट में लगा दो, बंद कर दो आप।
आप वहां नहीं बंद करेंगे। तो यूनिफॉर्म एंड कॉमन कोड में जमीन आसमान का फर्क है कि दयाबागा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा, बताओ अमर को। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मुसलमानों को सिख को क्रिश्चियन को क्यों नहीं मिलता भाई? ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। और मेघालय मिजोरम नागालैंड में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उनके कल्चर को प्रोटेक्शन करने का वादा किया कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसको निकाल देंगे? हाँ, और मेरा जो कल्चर है मुस्लिम, वो आर्टिकल 26 का प्रोटेक्शन है मेरे को। इकोनॉमी बैठ गई, कोयला निकालने के लिए आपको पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल करना पड़ रहा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही, मगर आपको फिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हम इसके खिलाफ है और लॉ कमीशन खुद ये कह दिया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं। पीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहे 7 साल में, खाली अपने चहितों को बुला के 1-to-1 कर लेते भिजा देते। हाँ हाँ क्या देंगे दोनों, कहाँ जवाब देते। इस तरह से मुल्क में अकलियतों पर मजालिम बढ़ रहे हैं, बैन अल-अक़वामी सतह पर मुल्क को यानी हजीमत उठाना पड़ रही है, ये तो सोचना है ना। तो मुल्क की बरसर इख्तदार जमात जो है बीजेपी, उनको सोचना है। वो तो मुसलमानों पे ऐलान जंग कर चुके हैं। हम यही बोल रहे हैं सरकार को, आप परमिशन दिए, आपकी जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में पीस होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, आप उस जिम्मेदारी को निभाइए। आप हम भी यही चाहते हैं कि महाराष्ट्र में अमन रहे और इंशाल्लाह अमन रहेगा। अगर कोई धमकी दे रहा है, कोई ये बोल रहा है, तो फिर भाई सरकार बड़ी है या क्या बड़ी है बताइए ना आप। सर इम्तियाज सर ने पिछले महीने में एक प्रपोजल दिया था महाविकास आघाड़ी सरकार को कि उन्हें महाविकास आघाड़ी सरकार में ज्वाइन किया जाए, उस 3 पहिया गाड़ी को एक 4th पहिया MIM का लगाया जाए, क्या लगता है? उन्होंने बोल दिए, उधर से क्या हुआ फिर आपको लेकर पार्टी जब रैली की सिलसिला शुरू होगा, उद्धव ठाकरे भी रैली ले रहे हैं मुंबई और मुंबई, तो क्या MIM भी एक रैली करेगी? वैसे भी मुंबई की रैली पेंडिंग है, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे भाई, एक नहीं कई जगह करेंगे, जवाब दे। और हमारे पास क्या है ना, हम जब रैली करते हम बुलाते नहीं, ए आ आ आ आ तू गाड़ी लेके आ, 5 लेके आ, 6 लेके आ, 4 लेके आ, वो दिल से आते हमारे पास। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अगर कल सुबह का परमिशन दे दो हमारे को, हम कर लेते रैली वही मैदान में, अरे कहीं पर भी दे दो, इम्तियाज जलील, डॉक्टर गफ्फार कादरी, MIM को कल दे दो, हम आ जाते, हमारे को बुलाना नहीं पड़ता, उधर से तू 5 उधर से 6 लेके आइए, क्या है वो, ऐसा नहीं करते। सबकी तरफ है इशारा, सबकी तरफ है, एक की तरफ नहीं है। MIM पार्टी जो है जमीन से जुड़ी हुई है, लोग सुनने आते देखते, तो परमिशन ले हम करेंगे। अभी ईद भी सुझान दीजिए, फेस्टिवल है, लोगों को आराम से अपनी दोनों फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने दीजिए। नहीं एक क्यों बहुत होंगी रैली, एक क्यों बोल रहे हैं? अब माशाल्लाह से आप हमारे साथ है। सांस्कृतिक मैदान में होंगी जहाँ पर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे जब होगी, नहीं नहीं सुनिए, जब होगी आपको हम दावत देंगे, आप आइए ना, हमारे लिए आम खास है, इसमें आम खास जनता आती है उसमें। वंचित का आपने साथ छोड़ा है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे वेल रेड पर्सन कहे जाते हो, कौन मैं? महाराष्ट्र में अच्छी नजर है, आपको क्या लगता है? बीजेपी बार बार कह रही है कि शिवसेना बहुत कमजोर होती जा रही है, हिंदुत्व को लेकर बीजेपी कह रही है कि शिवसेना कमजोर। नहीं नहीं मैं आप इसी रिलेटेड सवाल के जवाब में मैंने अभी कहा कि पूरे देश में कौन हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे ज्यादा वफादार है, उसका कंपटीशन चल रहा है जिसमें सब पार्टी शामिल हैं, सब पार्टी शामिल हैं सिवाय हमारा, वो TRS को छोड़कर अभी तक पूरे लगे हुए उसमें दौड़ में। सर
सब लगे हुए भाग 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 उसी में लगे हुए हैं। आप देखो क्या जुमला दे रहे, क्या बोल रहे हैं लोग, क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। कमजोर होती जा रही है या देखिए ये मेरा काम नहीं है, आपकी नजर नहीं, नहीं नहीं मेरा मेरा मेरी मेरी नजर मेरी पार्टी पे, मेरी नजर डॉक्टर गफ्फार कादरी पे, इम्तियाज जलील पे, हमारे लोगों पे नजर है, मेरी नजर दूसरों पे रहती नहीं। मेरे को क्या करना है, मैं यही चाहता हूँ कि उनकी नजर मेरे को नहीं लगना। मेरे को क्या मालूम भाई, मेरे को नहीं मालूम, वो दखन की एक कहावत है, कभी कोई बासी घड़ी को उबाला था।